फिल्म शूट करने जा रहे हैं, एक का नाम है राखी, ये हमारे दिल के बहुत करीब है। आप ये सोच के चलिए अगर मैंने 100 सिनेमा किया है तो ये पहली ऐसी फिल्म है जिसका एक एक एंगल मुझे मालूम है, और मैं इस सब्जेक्ट को जब भी, मैं कम से कम 50 बार डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन जब भी ये सुनाता हूँ तो कम से कम 4 बार मैं फूट फूट के रोने लग जाता हूँ। ये एक अजीब सी प्रेम कथा है जो एक भाई और एक बहन के बीच में है। वो फिल्म कर रहा हूँ, उसके बाद में उसके साथ में वो भी सब्जेक्ट यशजी ने भेजा था, उसके साथ में एक सब्जेक्ट करने जा रहा हूँ, वो भी एक रिलेशन बेस है कि एक पत्नी अपने पति से किस एंगल पर जाके प्यार करना शुरू करती है, कैसे उसकी डेवलप होता है। ये दो फिल्म कर रहा हूँ अभी, एक फरवरी से करने जा रहा हूँ और उसके बारे में जल्दी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन। सर, दोनों के एक्टर में यश जी ही हैं, तो यश जी आपकी पहली पसंद क्यों है? क्योंकि बहुत अच्छे एक्टर हैं, हम बहुत कंफर्टेबल रहते हैं इनके साथ में काम करने से लेकर, इनका कोई झमेला नहीं है। सेट के ऊपर आपको कभी ये फील नहीं होने देंगे कि मैं एक स्टार हूँ, एक मैं सेलेबल आर्टिस्ट हूँ। आपके साथ में एक जैसे एक 50 आदमी का ग्रुप होता है, उस 50 में से ये एक नंबर पे आके बैठे रहते हैं, कभी किसी को फील नहीं। बल्कि उन्होंने एक बात बोली थी, अभी मैं बताऊँ, ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, हम एक लोकेशन पे शूटिंग करने जा रहे हैं, वहाँ पर जो कमरे हैं बहुत अच्छे नहीं हैं। तो यश से बात हुई थी तो हमने बोला कि 15-20 किलोमीटर दूर पर होटल होगा, वो कर लेंगे। तो उन्होंने बोला, यार मैं प्रोड्यूसर के दर्द को जानता हूँ कि कितना वो फील होता है, कोई चिंता नहीं है, मैं खुद एक प्रोड्यूसर हूँ। ये वाला शब्द मेरे कान में ना, बहुत साल से मैं सिनेमा करने लगभग 40-50 साल हो गए, ये पहली बार सुना। तो अगर कोई एक्टर का इस टाइप का अपना इनपुट फिल्मों के प्रति होता है तो हम मजबूर हो जाते हैं उनके साथ काम करने के। और मुझे अगर पूछेंगे, आई जस्ट लव दिस जेंटलमैन। यस जी, कोई रिएक्शन है आपका इस पे? रिएक्शन क्या तो बस मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, बहुत कम लोग होते हैं, मैं पीठ पीछे ही बोलता हूँ कि कुछ लोग प्रोड्यूसर सब होते हैं, सबके साथ काम करता हूँ। पर दादा के बारे में मैं काम करने से पहले जो सुनता था और काम करने के बाद जो जाना, वो बहुत डिफरेंट था। ही इज़ रियली जेंटलमैन, और जो दूसरों के दर्द में खड़ा रहे वही रियल जेंटलमैन है। मैंने यही सच है। 26 जनवरी आ रहा है, कोई विशेष देश के तो जितने लोग भी आप लोग देख रहे हैं, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना आप लोगों को। देश अपना है, देश से खूब प्यार कीजिए और देश की तरक्की में आगे आकर के साथ दीजिए, यही कहना चाहूँगा। पूनम जी, जी आप कुछ विशेष? मैं बस यही कहना चाहूँगी, देश आपका है, इसको बांटिए मत, फालतू के विवादों में मत रहिए, सबके साथ प्यार बांटिए, प्यार से रहिए और सुरक्षित रहिए। सर आप? सबका विकास सबके साथ, बहुत अच्छी जानी चाहिए। 2020 जैसा गया है, भगवान करे 2021 में वो भरपाई भी पूरी हो जाए। बहुत अच्छे, हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, घर में बैठे थे, निकल नहीं पा रहे, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बनते चला गया, बहुत अच्छा हो। आज ही है बस 2021 में महादेव ऐसा करें कि इसका साथ हमेशा के लिए छूट जाए और आजीवन छूटा रहे। बहुत अच्छा रहे। एक चीज मैं बता देता हूँ, हमारी फिल्म में ना, जैसे एक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, एक्ट्रेस इम्पोर्टेंट है, डायरेक्टर है, वैसे मैं इस फिल्म में फील किया हूँ, वो लड़का भी यहाँ खड़ा नहीं है, हमारा प्रोडक्शन कंट्रोलर, मैं तहे दिल से उस लड़के को धन्यवाद देता हूँ। उसने इस फिल्म में ना एस दुर्गा प्रसाद बन के सारा काम किया। यस यस, कि मैं बहुत भागदौड़ नहीं कर पाता, तो मैं उस लड़के को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा काम करता है और बहुत दिल से, कभी फील नहीं होने दिया कि मैं कंट्रोलर हूँ, इज़ एक्टिंग लाइक ए प्रोड्यूसर, हर एक छोटी छोटी चीज़ करता है। रियली पे थैंक्स टू